हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मैच जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 6 चल रही थी और 6 में हमने 6.1 कर ली थी, 6.2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर चुके हैं, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये सिद्ध करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल, मतलब डिफरेंशियबल नहीं है इस x बराबर 0, इस बिंदु x बराबर 0 पे। तो देखो अपन इसका देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले अपन को जो गिवन फंक्शन है वो क्या लिखना है आपको, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखना है, यानी दिया गया फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशियबल नहीं है x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अब एफ ऑफ 0 माइनस एच, इसमें x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब ये आ जाएगा 0 अपॉन माइनस एच। मॉड h का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये आ जाएगा पॉजिटिव अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, यानी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1। अब अपन देखेंगे कि आर एस डी क्या होगा इसका, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो हो गया आपका बायां अवकलज, इसको अपन बोलेंगे बायां अवकलज, और ये आपका हो गया दायां अवकलज। अब दायां अवकलज अपन निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h की जगह 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 प्लस h, x की जगह क्या पुट करना है आपको, 0 प्लस h। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 0 प्लस h, मोड ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 0 अपॉन h, ठीक है। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब ये एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। ये कट जाएगा और आ जाएगा का आपका 1, मतलब आपके पास एल एच डी क्या आया माइनस 1 और आर एच डी क्या आया आपके पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि एल एच डी जो है वो किसके इक्वल नहीं है, आर एच डी के, मतलब जो बाया उकलज है वो आर एच डी यानी दाया उकलज के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो दिया गया फलन है आपका x बराबर 0 पे वो क्या नहीं होगा, वो डिफरेंशियबल नहीं होगा, यानी अवकलनीय नहीं है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो क्या है, एग्जामिन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। इसको आपको एग्जामिन करना है, मतलब आपको जांच करना है कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशियबिलिटी है क्या, फंक्शन एक्स मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स, मतलब किस पॉइंट पे। आपको पॉइंट दे रखा है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और 1, है ना, 0 और 1 पे आपको ये चेक करना है कि मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स क्या आपका डिफरेंशियबल है या नहीं। तो देखते हैं अपन सॉल्यूशन, ठीक है। पहले अपन क्या देखते हैं कि जो फंक्शन होगा, फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड एक्स दो वैल्यू देता है आपकी। तो पहले अपन फंक्शन देखते हैं कि एफ एक्स कैसे डिफाइन होगा आपका, ठीक है। आपको दो वैल्यू दे रखी है 0 और 1 में, ठीक है। तो पहले ये देखो, अगर आपको ये पता है कि मॉड एक्स जो होता है वो क्या होता है आपका, मॉड एक्स जो होता है वो कितनी वैल्यू देता है, दो, एक तो देता है पॉजिटिव एक्स, एक्स एक देता है आपका नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0, और माइनस
एक्स कब देगा, जब आपका एक्स क्या होगा, ग्रेट लेस देन जीरो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स अगर आपका लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो क्या बात होगी, जब आपका एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये मॉड एक्स फंक्शन क्या होगा, ये भी नेगेटिव और ये भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स, जैसे आप इसको ऐसे लोगों वन माइनस का एक्स माइनस वन, और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स, तो आ जाएगा वन माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो आ जाएगा वन माइनस टू एक्स। लेकिन वो किसके लिए होगा, जब एक्स क्या होगा आपका जीरो से कम होगा, ठीक है, तो इससे आप फंक्शन क्या बना सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स। लेकिन कब, जब एक्स क्या है आपका जीरो से छोटा, ठीक है, एक्स जब आपका जीरो से छोटा है, ठीक है। अब अपने पास दूसरी वैल्यू है जीरो कोमा वन, ठीक है, जीरो कोमा वन में अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ, एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, वन, ठीक है। अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो वन, अगर मैं एक्स को वन पुट करता हूँ यहाँ तो भी क्या आएगा, वन। तो यानी कि आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आई, आपके पास वन। लेकिन जब कब, जब आपने एक्स को किसके बराबर रखा, जब आपने एक्स को किसके बराबर रखा, जीरो, यानी एक्स क्या है, जीरो से बड़ा या बराबर भी है, ठीक है, और क्या है, वन से छोटा, ठीक है, वन से छोटा। ठीक है, अब अपनी लास्ट कंडीशन क्या है, जब x 1 के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, जब x क्या हो आपका 1 से बड़ा या बराबर हो, ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर हो, तब क्या कंडीशन होगी, ये जो होगा ये क्या पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि x पॉजिटिव होगा जब ग्रेटर देन 0 होगा और नेगेटिव होगा जब लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो x ग्रेटर देन होगा 1 के लिए, ग्रेटर देन या इक्वल के लिए क्या कंडीशन होगी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, क्या हो गया, 2x माइनस 1। अब अपन डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे, किसके लिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो एट x इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके लिए, बाया अवकलज यानी LHD, और ये क्या होता है आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 0, क्योंकि a माइनस h होता है, तो आ जाएगा 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 से कम, x का मान 0 से कम का होगा ये वाला फंक्शन, यानी आप क्या करोगे, x की जगह 0 माइनस h पुट करना है, तो आ जाएगा 1 माइनस टू 0 माइनस h, आप f ऑफ 0 निकालोगे तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन में माइनस h, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस h माइनस 1, और यह आ जाएगा माइनस का h, ये कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, दैट इज माइनस 1, क्या आ गया आपके पास, माइनस 1, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा माइनस 2 क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब इसी तरह अपन को क्या निकालना है, ये अपन ने निकाले LHD, अब इसी तरह अपन क्या निकालेंगे, RHD यानी दाया अवकलज, और दाया अवकलज के लिए अपन के पास कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और f ओ a प्लस h यानी 0 प्लस h माइनस f ओ 0 अपॉन में h, ये आएगा आपका पॉजिटिव, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब देखो 0 से जस्ट बड़ा फंक्शन कौन सा है, 1, 0 से जस्ट बड़ा फंक्शन 1 है, तो आ जाएगा 1 माइनस f ओ 0 पे भी यही वैल्यू है तो आ जाएगी 1 अपॉन h, तो आपका क्या आ जाएगा पूरा 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, LHD और RHD आपका क्या है, इक्वल नहीं है, हैंस जो दिया गया फंक्शन है fx, हैंस गिवन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू
जीरो, मतलब x बराबर जीरो पे दिया गया फंक्शन जो है अवकलनीय नहीं है। अब अपन चेक करेंगे कि अवकलनीय तक किस पे चेक करेंगे, x बराबर वन पे, क्योंकि वन पे भी अपन को x बराबर वन पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एट x इज इक्वल्स टू वन, x इज इक्वल्स टू वन पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले LHD यानी बाया अवकलज वो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ, अब क्या निकालोगे आप, a प्लस h होता है तो क्या लिखोगे, वन प्लस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ वन अपॉन h, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। f ऑफ वन प्लस h मतलब इसका मान कितना, x का मान एक से ज़्यादा, ठीक है। f ऑफ वन प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी f ऑफ वन माइनस h होगा, क्योंकि ये अपन निकाल रहे हैं माइनस टाइम, तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो f ऑफ वन माइनस h मतलब x का मान एक से कम, तो यानी कि ये वाला फंक्शन कम आएगा, तो आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन में माइनस h दैट इज जीरो, ठीक है। क्योंकि अपन एक से कम वाले फंक्शन के लिए तो यही काम में आएगा अपने पास, ठीक है, लेस देन वन के लिए। अब अपन निकालेंगे क्या इसका आर एच डी, क्या निकालेंगे आर एच डी, अब आर एच डी के लिए अपने पास कंडीशन क्या है, आर एच डी के लिए अपने पास कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, ठीक है। एफ ऑफ वन प्लस एच का मतलब ये वाला फंक्शन काम में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे इसको, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच मतलब एक्स की जगह आपको क्या करना है, वन प्लस एच पुट करना है, तो ट्वाइस ऑफ वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन पे, एफ ऑफ वन पे वैल्यू कितनी होगी, टू माइनस वन यानी कि क्या हो जाएगा, वन अपॉन एच, यह जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो टू प्लस टू एच माइनस टू अपॉन एच, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा एच, ये कट गया आपका टू से टू, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो और यह आ जाएगा टू, मतलब आपके पास ये क्या हो गई टू, ठीक है। मतलब अब आपको क्या पता है कि एल एस डी और आर एस डी क्या है, इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं है, इसलिए जो दिया गया फंक्शन एफ एक्स है वह एक्स बराबर वन पे भी क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है यानी अवकलनीय नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, एग्जामिन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल अब इंटरवल आपको क्या गिवन है, 0,2, ठीक है, 0,2। इफ अगर आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। अब देखो, अभी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया था, क्योंकि आपको इसमें इंटरवल दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आपको बोल रहा है कि जांच कीजिए कि जो दिया गया फंक्शन है वो इस अंतराल क्लोज अंतराल यानी संवृत अंतराल 0,2 में डिफरेंशियबल यानी अवकलनीय है या नहीं, और एफ एक्स आपको दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है। अब अपन इसका क्या बनाते हैं, पहले फंक्शन बनाते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, जब आपका एक्स जीरो से छोटा होगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा नेगेटिव में होगा, ठीक है, जीरो से छोटा होगा तो ये क्या होगा आपका वन माइनस एक्स प्लस, ये भी आपका क्या होगा टू माइनस एक्स, मतलब ये क्या होगा थ्री माइनस एक्स, ये क्या होगा जब जीरो से छोटा है आपका एक्स, ठीक है। मतलब जीरो से बड़ा है, क्योंकि देखो जीरो से बड़े के लिए तो आपका ये फंक्शन है, और लेकिन एक से छोटा है, क्योंकि एक से छोटे के लिए तो देखो वन माइनस वन ये जीरो बन रहा है, यानी एक से तो छोटा और जीरो से बड़ा, जीरो से तो बड़ा होगा क्योंकि जीरो से तो ये भी बड़ा है, जीरो से ये भी बड़ा है, लेकिन एक से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है।
और इसी प्रकार ये वाला फंक्शन भी क्या होगा आपका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 2x। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि x बराबर 1, यानी x बराबर 1 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये आपको क्या देगा 0, और ये आपको देगा मोड ऑफ -1 यानी आपको देगा 1। अगर आप 2 पुट करते हो तो ये 0 और ये क्या देगा 1, यानी आप क्या पुट कर सकते हो 1, मतलब x जब क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x क्या होगा 1 से तो बड़ा या फिर बराबर भी, ठीक है, x 1 से बड़ा भी होगा और बराबर भी हो, लेकिन क्या होगा 2 से, x क्या होगा 2 से 1 से भी बड़ा और x क्या होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, ठीक है, x 1 से तो बड़ा होगा और 2 से क्या होगा छोटा होगा, तभी ये x ये क्या होगा ये वैल्यू आपकी क्या होगी 1। अगर आप देखो अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा और ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 2 से बड़ी के लिए ये भी आपका पॉजिटिव आएगा अंदर की तरफ रिजल्ट, और ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। देखो ये 3 - 1 यानी 2 आएगा और ये भी 3 - 2 यानी कि 1 आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा कि ये x - 1 + x - 2 तो आ जाएगा 2x - 3, क्या आ जाएगा 2x - 3, मतलब ये आपका फंक्शन आपका डिफाइन हो गया 2x - 3 से। अब एक मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ इस 0, 2 के बीच में, अंतराल के बीच में एक वैल्यू ले रहा हूँ और उस पर मैं डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करूँगा, अगर ये डिफ्रेंशियबल है, ठीक है, डिफ्रेंशियबल है तो ये डिफ्रेंशियबल मतलब आपके लिए उस पॉइंट पे कहलाएगा, अगर नहीं है तो ये क्या नहीं होगा डिफ्रेंशियबल नहीं होगा। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ इसमें से 0 और 0.2 से, एक बिंदु ले रहा हूँ 1, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये बिलोंग करता है किससे 0.2 में, ठीक है, ये 0.2 के अंदर विद्यमान है, है ना। तो अब x बराबर 1 पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले LHD निकाल रहा हूँ, LHD क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h यानी 1 - h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h, है ना। तो ये क्या होगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 - h, मतलब 1 से छोटा, जब x 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन काम में आएगा, तो आप x की जगह क्या रखेंगे 1 - h यानी 3 - 2 - 1 - h माइनस f ऑफ 1 पे क्या रखोगे 3 - 2 यानी कि 1 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h, इम्प्लाइज दैट सॉरी इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 3 - 2 - (-+2h - 1 और ये आ जाएगा आपका माइनस का h, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 3 - 2 और - 3 यानी ये तो पूरा कट गया, तो आ जाएगा क्या 2h - h ये कट गया यानी आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 2 यानी कि आपके पास क्या जाएगा 2। अब देखेंगे अपन RHT यानी कि बाया आउटलेज, ठीक है, बाया आउटलेज वो क्या होता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 + h यानी a प्लस h माइनस f ऑफ a यानी 1 अपॉन में h, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 + h, मतलब अब x की जगह आपको 1 + h पुट करना है, लेकिन 1 से बड़ा x कौन सा है ये, तो आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट करना ही नहीं है कुछ, x वगैरह दे ही नहीं लगा, f ऑफ 1 पे भी वैल्यू यही है, ठीक है, तो 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है, ये आप गई आपकी कितनी वैल्यू 0 आ गई, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो LHD होगा वो कि क्या होगा नॉट इज इक्वल टू RHD, मतलब जो दिया गया फंक्शन fx है mod x - 1 + mod x - 2 वो इस दिए गए जो दिया गया अंतराल है उस पे यानी x बराबर 1 पे भी आपका क्या नहीं होगा अवकलनीय नहीं होगा, मतलब दिए गए अंतराल में क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है, ठीक है। आज का सेशन अपना यहीं पे कंप्लीट होता है, कल अपन आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आपको जिस भी क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है मैथ्स जंक्शन, उसको ज्वाइन कीजिए, जो जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है पोस्ट कीजिए, ठीक है, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स।